सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू नर्सरी स्टडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो भी नए कैंडिडेट हैं मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि नए वीडियो है सबसे आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 7 प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ये 17 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट मेरे प्रैक्टिस सेट को भी मतलब नहीं देखे हैं तो वो जाके प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है तो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, सभी वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया इसी प्रकार देख लेते हैं। तो हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो अपने दोस्तों में, ठीक है, जैसे कि सभी को लाभ मिल सके। ठीक है, आपकी मदद से। तो अपने कमेंट बॉक्स में भी स्कोर बताइएगा, आप लोग देखते हैं स्कोर नहीं बताते हैं कितना आप लोग का स्कोर था। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है पहला देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बताइएगा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए, कौन सा सही होगा, शुक्र बुध मंगल बृहस्पति। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है शुक्र सही हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा इसी प्रकार देख लिया, दूसरा दिया है, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी बताइएगा दोस्तों, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी। तो ए बी सी डी देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दुर्गा बनर्जी, पद्मावती बंदोपाध्याय और या सुभद्रा मुखर्जी या गीता ठाकुर। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एयरफोर्स के जो भी कैंडिडेट तैयार करते हैं जरूर क्वेश्चन पूछेगा ऐसा क्वेश्चन ही। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, खास करके ये नेवी का है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और जो भी तैयारी करते हैं जी के जिसमें पूछा जाता है तो देख सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा वीडियो सबको देखने से। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी दोस्तों बताइएगा, ए बी सी डी देख लीजिए, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, पद्मावती बंदोपाध्याय। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। तीसरा क्वेश्चन दिया, सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तों बताइएगा, पांडा के लिए, भालू के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए। तो दोस्तों आप लोग को जानता है सुंदरबन कहाँ पर है, तो पहले तो वेस्ट बंगाल में है। अब याद रखिएगा सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है तो बताइएगा, पांडा के लिए, भालू के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए। तो ये आप लोग याद करिएगा, पहले तो सुंदरबन कहाँ पर है तो बताइए, तो ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, इसका उत्तर दे दीजिए तीसरा का, इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा बाघ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों बताइए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है, जेनेवा में है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा चौथा का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क में। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है दोस्तों बताइएगा, ए बी सी डी देखिए। ऑप्शन दिया 28 दिनों में, 365.14 दिन में, या एक दिन में, या 356 दिनों में। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा, पाँच का ये सही हो जाएगा, 28 दिन में। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी पर 28 दिन में चक्कर पूरा कर लेती है। तो इसी प्रकार छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा दिया है, सिंधु सभ्यता थी तो बताइएगा दोस्तों, ग्रामीण थी या शहरी थी या निर्मित थी, आदि में से कोई नहीं थी। तो ए बी सी डी देख लिए, कौन सा सही होगा दोस्तों, 6 क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो बी सही है, शहरी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। अगला दिया है, सबसे अधिक गन्ना उत्पाद राज्य कौन सा है दोस्तों बताइएगा, सबसे अधिक गन्ना उत्पाद कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। तो ए बी सी डी देख लीजिए, कौन सा सही होगा दोस्तों। तो ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इसी प्रकार, सबसे अधिक मत संरक्षता किस राज्य में तो बताइएगा दोस्तों, ए बी सी डी देख लीजिए, गुजरात, मिजोरम, केरल या त्रिपुरा। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा 8 क्वेश्चन का, ऑप्शन सी केरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इसी प्रकार, राज्य की विधानसभा को कौन सा भंग कर सकता है, राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है दोस्तों बताइएगा, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो ए बी सी डी देख लिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, सिर्फ राज्यसभा, गवर्नर, राज्यसभा गवर्नर भंग करता है। चलिए इसी पर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है तो दोस्तों बताइएगा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
बांग्लादेश है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर अगला क्वेश्चन दिया, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी, हुगली, सरयू या गोदावरी? तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 11 का, आई होप सभी को पता होगा, तो आप गैस कीजिए। तो हुगली, ठीक है, हुगली नदी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन दिया है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में, 92 ईस्वी में कहाँ शुरू हुआ था? बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों बताइए, ABCD देख लिए, कौन सा आप सही होगा? रियो डी जेनेरियो या पेरिस में या वाशिंगटन जेनेवा में? तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा सही होगा 12 क्वेश्चन का? ये सही हो जाएगा, ठीक है, रियो डी जेनेवा में, ठीक है, ऐसा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन दिया है, सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बताइएगा दोस्तों, अमेरिका में है, रूस में, फ्रांस में, जापान में है? ABCD देख लीजिए, कौन सा सही होगा दोस्तों 13 क्वेश्चन का, और बताइएगा। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका में, सिलिकॉन वैली अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक, बताइएगा दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक है मोहम्मद जिन्ना, याकत अली, सर सैयद मोहम्मद खान या लियाकत अली खान? तो बताइएगा दोस्तों, शौकत अली खान। तो बताइएगा दोस्तों, ABCD में कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है, सर सैयद मोहम्मद खान। तो इसी प्रकार पूछा है, अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्थापक कौन है? तो ये भी हो, ये सही है, ठीक है, ये भी है, यही है, सर सैयद मोहम्मद खान। चलिए अगला क्वेश्चन दे, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? दोस्तों आई होप सभी को पता होगा, तो बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो बताइएगा दोस्तों, ABCD देख लीजिए, कौन सा सही, 1971, 1961, 1974, 1970? तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा 15 क्वेश्चन का? 1971 ईस्वी में, ठीक है। तो भारत में किसका मतलब सरकार था? तो ये कांग्रेस का था। कौन प्रधानमंत्री थी? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इसी प्रकार, 16 क्वेश्चन, कोडार का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों आप लोग बताइए, कोडार का मंदिर कहाँ है? केरल में, उड़ीसा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में? तो दोस्तों बताइए, कौन सा आपसे सही हो जाएगा? ABCD देख लीजिए, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु में? 16 क्वेश्चन कौन सा आपसे सही होगा दोस्तों, बताइएगा? तो बी सही हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा में, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला दिया है, अगला क्वेश्चन पहले से बता दें आप लोग से, एक नोटिफिकेशन और बढ़िया से आप बता दें। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि नया वीडियो सबसे आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के सपोर्ट से, रुकिए थोड़ा और बता दें आप लोग को डीपली में, आप लोगों के सपोर्ट से मेरे चैनल पर 1 वीक में आप लोगों को टारगेट मेरे 500 दिया था, तो आप लोगों को बहुत कमी मिला है, अब 70 हो गया, 270 1 वीक में 270 हुआ है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को ग्रो करवाइए। तो आप लोग को बहुत 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 शुक्रिया जो मेरे चैनल को 270 तक पहुँचाने के लिए, सब्सक्राइबर तक। आप लोगों को टारगेट मेरा है 500 तक पहुँचाने का, अब लास्ट वीक तक, और 1000 तक जाएगा। तब तक नहीं जाएगा 1000, तब तक मैं लाइव क्लास नहीं करूँगा। जब 1000 चल जाएगा तो मैं लाइव क्लास लाऊँगा आप लोग सारे वीडियो का, ठीक है, GK GS जो भी डिमांड रहेगा, ठीक है। तो PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर देता हूँ, तो जो भी चैनल में जो भी टेलीग्राम को चैनल को सब्सक्राइब नहीं ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जाकर स्टूडेंट ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो वहीं भी मिलता है PDF, इसका भी PDF वहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन था आप लोग को बताने के लिए, तो आप लोग आई होप सब लोग को समझ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बोलिए उन लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 17 क्वेश्चन दिया है, महाद्वीपों की संख्या कितनी? आई होप सभी को पता होगा महाद्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों, बताइएगा। ABCD देख लीजिए, कौन सा सही होगा, 5, 7, 6, 4? तो दोस्तों कौन सा सही होगा आपका, दोस्तों सभी को पता होगा, जहाँ तक उम्मीद है सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया, हुक किस खेल से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों, हुक किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी? तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा 18 क्वेश्चन का? ये सही हो जाएगा, मुक्केबाजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों बताइएगा, कांडा में, कोडाक में, या श्रीनगर में, या गया में? तो दोस्तों बताइएगा, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 19 क्वेश्चन का लाजवाब क्वेश्चन है, कांडा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया ऊँट के लिए क्या जरूरी है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, 20 क्वेश्चन का, ठीक है, ज़रूर ज़रूर बताइएगा। उम्र, अंगूठा, पहचान पत्र, शिक्षा, तो दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में ऊँट देने के लिए क्या महत्व है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। दोस्तों बताइएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। ए बी सी डी देख लीजिए, 6 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष, कोई सीमा नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कोई मतलब कौन सा सही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, 5 वर्ष होता है, ठीक है। लोकसभा का पूछा जाए तो 6 वर्ष होता है, लोकसभा के लिए 6 वर्ष, राज्यसभा के लिए 5 वर्ष, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है, जनगणना किस अंतराल में होती है। तो बताइएगा दोस्तों जनगणना किस अंतराल में होती है, 5 वर्ष, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, आप सभी को पता होगा 10 वर्ष के, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लिया जाए। 23 क्वेश्चन, इंडिया मिलिट्री अकेडमी स्थित है। दोस्तों बताइएगा इंडिया मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है। दोस्तों खड़ग गसवाला, हैदराबाद, बेंगलोर या देहरादून। तो दोस्तों आप लोग आई होप तो ये क्वेश्चन हो चुका था एक बार, तो आप लोग जानते होंगे देहरादून में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दिया, अबुल फजर किसके शासक काल में थे। तो अबुल फजर किसके शासक काल में थे, अकबर के, हुमायूं के, औरंगजेब के, बाबर के। तो दोस्तों 24 का क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा अकबर के थे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश विभाजन कब हुआ था। ये क्वेश्चन अभी आया था, ठीक है, अभी इसी प्रैक्टिस सेट में आया था। हमको लगता है 16 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये को 25 क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था और किसने कराया था, अभी हम बताए थे। तो आप लोग आप सभी लोग का कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन बताएंगे उत्तर, ठीक है। तो मैं आप लोग का उत्तर का जब क्वेश्चन का आंसर का मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, और एक बता दें, जो भी अभी कैंडिडेट देख रहे हैं मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं फिर, तब तक के जय हिंद जय भारत।